सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन कर उसे निष्प्रभारी बनाने के विरोध में आज भारत बंद के तहत करही में 100% बंद का असर रहा। SC/ST के सैकड़ों युवाओं ने शांतिपूर्वक रैली निकालकर सभी से बंद का निवेदन किया और तहसीलदार महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बंद का समर्थन सभी लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर किया। इस सफल आयोजन में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी अहम रही, कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। न्यूज हलचल के लिए महेश्वर से विनोद ढाले की रिपोर्ट। मालनपुर क्षेत्र में संचालित करलोन फैक्ट्री शनिवार की रात एक श्रमिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक मानसिंह पिता गोविंद सिंह निवासी शरवा का पूरा थाना गोहा चौराया करलोन फैक्ट्री में ठेकेदारी श्रमिक है। हर रोज की तरह 31 मार्च को दोपहर 2 बजे की शिफ्ट में काम पर आया था। रात्रि 12 बजे कंपनी के सेट में लगे लोहे के पाइप से फांसी लगा ली। इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस अधिकारियों ने परिजन फैक्ट्री प्रबंधक के समक्ष शव को उतारकर पोस्टमार्टम हेतु गोहद भिजवाया। पुलिस मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है। न्यूज हलचल के लिए मुरैना से पवन कुमार शर्मा की रिपोर्ट। धूमधाम से मनाया हनुमान जन्मोत्सव। निवाली नगर व झवर में हनुमान जन्मोत्सव पर सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा, जहां पर बाबा का बहुत सुंदर श्रृंगार कर पूजा अर्चना एवं महाआरती की गई। झवर में दिन में भंडारा संपन्न हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। वहीं निवाली नगर के खेड़ापति हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। न्यूज हलचल के लिए वीरेंद्र कुमावत की रिपोर्ट। नशा मुक्ति अभियान का किया शुभारंभ। डोंगरपुर में नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ रामबोला मठ से विभिन्न ग्राम पंचायतों से होते हुए ग्रामीण लोगों को नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई गई, जिसमें बड़ी मात्रा में ग्रामीण एवं विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। शपथ में नशे से दूर रहने की नसीहत दी गई। पूर्व संसाधन द्वारा चंद जी भगोरा एवं सूरमल दास के पुत्र विक्रम दास ने कहा कि पूर्व में भी गुरुओं द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया था, लेकिन कुछ लोग अभी भी नशे के आदि हैं। समाज में जागरूकता फैलाकर हमें समाज को नशे एवं बुरी आदतों से बचाना है। इस अवसर पर मठाधीश मौजूद रहे। न्यूज हलचल के लिए विपिन जोशी की रिपोर्ट।